नुसरत परवीन ने सवाल किया है कि रात को चेहरा धोकर सोना कैसा है? अगर रात को चेहरा नहीं धोएंगे तो क्या चेहरा शैतान चाटता है? गुफरान भाई बताएं ये बात सही है या गलत। तो यह वीडियो उन्हीं के सवाल पर। सवाल है, रात को चेहरा ना धोने का अंजाम। ऑप्शन है, पहला शैतान चेहरा चाटता है, दूसरा डरावने सपने आते हैं, तीसरा बरकत खत्म होती है, चौथा चेहरा काला होता है। इसका सही जवाब है, रात को चेहरा ना धोने से एक हदीस के मुताबिक शैतानी जिन चेहरा चाटते हैं। यह हदीस हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पेश की जाती है। इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स सोने की तैयारी कर रहा था जिसके चेहरे पर चिकनाई और मेल लगा हुआ था। ये देखकर इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, सोने से पहले अपने चेहरे और हाथों को सही तरह धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन उसके चेहरे को चाटते रहते हैं और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके जहन में वहम और वसवसे पैदा होते हैं। और रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, इससे रहमत के फरिश्ते उसके चारों तरफ होते हैं और वो शख्स शैतानी अफराद से अल्लाह की पनाह में रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सी हदीस में इस बात का जिक्र है कि सोते वक्त वजू बनाकर सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन जिस्मों को पाक रखो। जो बंदा भी वजू बनाकर सोता है तो एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उसके लिए दुआए मगफिरत करता है, और जब वो शख्स करवट लेता है तो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसको बख्श दे, यकीनन वो पाकीज़ा हालत में सोया है। इसी तरह एक और हदीस में सोते वक्त वजू बनाकर सोने की फजीलत बयान हुई है। अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अल्लाह को याद करते हुए और बावजू पाक साफ होकर सोता है, फिर रात के किसी हिस्से में जब उसकी आँख खुलती है तो उस वक्त वो जो भी अल्लाह से दुनिया और आखिरत की जिस भलाई का सवाल करेगा, यानी जो भी दुआ करेगा, कबूल होगी। यकीनन यह अल्लाह के रसूल की कही हुई बात है। और चांद सूरज अपना रुख बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की बात में शक होने की जरा भी गुंजाइश नहीं। लेकिन अफसोस, हम हर तावीज़ घंटे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे। डरावने सपने आएंगे, कुछ वहम होगा, कुछ गलत दिखेगा, तो तरह तरह के बाबा के पास जाकर शिरक वाले तावीज़ ले लेंगे, लेकिन वजू बनाकर नहीं सोएंगे और बस बेवजह फालतू की जगह पैसा खर्च करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ये अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ। और वजू बनाकर सोएं और हमेशा पाक रहें, क्योंकि पाकिजगी आधा ईमान है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स वजू बनाकर सोया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो उसका नाम शहीद की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है, लेकिन हम इसको मामूली समझते हैं और फिजूल चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हक बात दूसरों को बताना भी सवाब जारिया है, जिसका सवाब आपको कब्र में भी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो। अस्सलामु अलैकुम।